की प्रेरणा से ऐसी महिलाओं में काम करने का ठाना जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, इनके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट ला सकते हैं, इसके लिए हमने होली के अवसर पर जैविक गुलाल बनाने का कार्य शुरू किया। शुरू में 4 महिलाओं को लेकर हमने ये कार्य शुरू किया। आज लगभग पूरे 200 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई है। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है और उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना। जागरूकता के अभाव में जहां तहां भटक रही महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास और रोजगार से जोड़ा गया। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सपने सच हो रहे हैं। महिलाएं शहरी क्षेत्र की हों या ग्रामीण क्षेत्र की हों, सभी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। कुछ बीते समय और आने वाले समय में सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सरकार महिलाओं का सहारा बन रही है, उनकी रक्षा कर रही है और उनके उन्नयन के लिए योजनाएं भी बना रही है। दिल्ली के शहादरा से विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। यहां करीब 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिनको इस उम्र में नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था, मगर विधायक जितेंद्र महाजन ने अच्छी पहल करते हुए इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। मेरा नाम उर्मिला है, मैं अशोक नगर में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशानी में थी। मैं उनका विधायक जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है, सब परिवार जुड़कर बना रहे हैं। जितेंद्र महाजन ने बताया था, पहले मैं गया था कि तुम्हें कुछ काम मिलेगा, तुम खाली बैठे रहते, तुम्हारे यहाँ काम धंधा नहीं है। जब इन्होंने यहाँ पर भेजा है, हमें गुलाल बनाना सिखाया, हमने गुलाल बनाया अपने हाथों से, उनकी वजह से हम यहाँ पर आए। शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले परिवार जो है उनकी महिलाएं भी इस काम से जुड़ी हैं। बहुत सारी लगभग ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं है। 50 के करीब महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शिक्षा 5वीं से कम है, और लगभग सभी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही थी। इस जैविक गुलाल ने उनके मन में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। होली के अवसर पर इनके जीवन में खुशियाँ जो हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आई हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ भी हम इन महिलाओं को दिलवा रहे हैं। हमारी ये प्लानिंग है कि होली के बाद भी लगातार इनको कुछ ना कुछ काम मिलता रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करने वाले हैं। होली के त्यौहार को करीब देखते हुए दिल्ली के शहादरा जिले की महिलाओं ने केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किया, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लगातार इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। इस हर्बल गुलाल को तैयार करने में प्राकृतिक फल एवं फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे संतरा, चुकंदर, गुलाब के फूल और साथ ही चंदन का इस्तेमाल कर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। ये गुलाल पूरी तरह ऑर्गेनिक एवं केमिकल रहित है, जो शरीर की त्वचा एवं आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये गुलाल त्वचा के लिए फायदेमंद है। यह हर्बल गुलाल के रूप में महिला समूह के द्वारा तैयार किया जा रहा है। बकायदा इन महिलाओं को पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी। गुलाल बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि इस गुलाल में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। जो कि ये सब काम हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब की बार महिलाओं को मोदी जी की जैसे योजना है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की, ऐसे ही हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने महिलाओं को अपना पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें एक काम ऐसा दिया है जिससे कि उन्हें घर से बाहर भी ना जाना पड़े और ना कि दूरी पर जाना पड़े। कई महिलाएँ ऐसी थी कि जो घर से बाहर काम नहीं कर सकती, उनके लिए ये काम एक नया सोचा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं। ये नहीं है कि जो अनपढ़ है, कोई 5वीं भी पढ़ी हुई है, 10वीं भी है, कोई ग्रेजुएट भी कर रखा है किसी ने अपना, सब महिलाएं अपना मिलजुल कर का काम करती हैं। और इसके लिए हम अपने विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। ये हमारे
सुमंगलम जैविक गुलाल से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और ये कोई हार्मफुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये हमारा फल और सब्जियों से बन रहा है। जैसे आप इसको देख रहे हो, ये हमारा संतरे के जूस से बनाया गया है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। आप देखो इसको लगाने में भी सॉफ्ट होता है, आँखों में जाएगा तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, मुंह में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये अरारोट से बनाया जाता है। जो 140 महिलाएं अपना रोजगार की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान दे रहा है, तो उसी दिशा में ये कि सभी होली पे गुलाल खेलते ही हैं होली पर, तो हमने सोचा कि जैविक गुलाल बनाया जाए। तो हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं जितेंद्र महाजन जी, उनका ये कहना था कि मैं 100 महिलाओं को रोजगार देना चाहता हूँ, और उन्हें ये कि उनका जो खाली टाइम है आराम का टाइम है, बस एक घंटा डेढ़ घंटा वो मतलब 2 घंटा लगाए और वो एक रोजगार की तरफ अपना प्रोसेस हो। तो उन्होंने हमारे यहाँ ये बात रखी थी कि गुलाल का मैं सोच रहा हूँ जैविक गुलाल का अगर हम करना चाहें तो मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। स्किन डिसीजेस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो डेट इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं ऑर्गेनिक गुलाल बनाऊँ उससे और सीखूँ, लर्न करूँ और इनफैक्ट लोगों को हेल्प कर सकूँ। और ये सिखाया सुनीता मैम ने मेरे को फर्स्ट डे फर्स्ट से, और ये एक दिन में मैं सीख गई, बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा मेरा। और अब तक तो बहुत खुशी की बात है, मैं उससे बनाने लगती हूँ कलर और बना लेती हूँ, और लास्ट में मैं इसको परचेज भी कर लूँगी। और लोगों को यही एडवाइस देती हूँ वो भी परचेज करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसी का यूज़ करें। इन महिलाओं ने सिद्ध कर दिया, शिक्षा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, साधन भी नहीं है, मगर अगर आदमी ठान ले कि मुझे जीवन में कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकता है। इन पौने 200 बहनों ने ये सिद्ध कर कर दिखा दिया। अभी हमारे यहाँ पर 7 सेंटर चल रहे हैं जिसमें लगभग 200 महिलाएं काम कर रही हैं, और हमारे इस काम से प्रेरणा लेकर अब दिल्ली में जगह जगह इस प्रकार के सेंटर जो है वो शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।